कितनी बार ऐसा होता है कि आप फ़ोन में कुछ देख रहे हो और कोई अगर आपसे आपका फ़ोन मांग ले तो घबराहट से होती है कि मैं फ़ोन अगले के हाथ में अगर दे दूं तो वो मेरे फ़ोन में आप क्या क्या खोल के देखने वाला है। तो एक ऐसा तरीका है जिससे अगर आप किसी को कोई भी ऐप खोल के देते हो तो वो इंसान उस ऐप के आगे पीछे आपके फ़ोन में और कुछ चेक नहीं कर पाएगा। तो आप सीना तान के अपना फ़ोन जिस मर्ज़ी को दो एंड यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपके फ़ोन में जो भी डेटा या जो भी आप नहीं दिखाना चाह रहे हो वो कोई वैसे भी नहीं देख पाएगा। आपको बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हो। देखो, अब आपका फ़ोन है, ओके, फ़ोन में आप जाओ, फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग्स में जब आप जाओगे, यहाँ पे सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी वाले टैब में जाओ और सिक्योरिटी में लुक फॉर स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग में क्या होता है, यू कैन पिन एनी टैब और वो टैब फिर हटेगा नहीं। करके दिखाता हूँ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्क्रीन पिनिंग को आप ऑन कर दो एंड लॉक द डिवाइस व्हेन स्क्रीन पिनिंग इज कैंसल्ड। इसको भी ऑन रखो। नाउ, अब मान लो मैंने ये सारे ऐप्स खोल के रखे हुए हैं, ओके, कई सारे ऐप्स हैं। अब कोई मेरा फ़ोन मांग लेता है और मैं उसको सिर्फ वेदर वाला ऐप दिखाना चाहता हूँ कि भाई आज का दिल्ली का तापमान क्या है, तो मैं सारे ऐप्स में यहाँ पे जाके इसको पिन कर दूँगा। जैसे ही पिन होगा यहाँ पे ये बता देगा दैट योर स्क्रीन इज़ लॉक्ड। अब स्क्रीन इज़ लॉक्ड का क्या मतलब, मैं किसी को हाथ में फ़ोन देता हूँ अब वो इस ऐप के अलावा मेरे फ़ोन में कुछ भी देखना चाहे तो वो देख ही नहीं पाएगा। तीनों बटन्स जो हैं वो इनएक्टिव, ना वो होम स्क्रीन पे जा पाएगा, ना बैक, ना मेन मेन्यू पे। अच्छा, अगर कोई कॉल भी आएगी इस नंबर पे तो वो पीछे बचता रहेगा, आप आंसर नहीं कर पाओगे उसको। अब उसको अगर लगे कि मैं उस फ़ोन को बंद कर देता हूँ, वो बंद कर देता है, अब अगर वो फ़ोन खोलेगा देन इट इज़ गॉन बैक टू दिस, सिंपल। इसको हटाने का तरीका क्या है कि आप इन दो को इकट्ठे दबाएं और ये चला जाएगा इस पर, बट तब भी ये लॉक स्क्रीन पे ही जाएगा। पासकोड सिर्फ मुझे ही मालूम होगा तो तभी मैं फ़ोन को खोल पाऊँगा, देन इट विल गो बैक टू दिस ऐप। अब ये जो है वापस चला जाएगा टू द मेन स्क्रीन। तो वेरी सिंपली मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, यू गो टू दिस, इसको जाओ पिन कर दो। पिन करने के बाद ये तीनों जो हैं वो इनएक्टिव हो गए आपके ऑप्शंस। उसके बाद आप स्क्रीन को बंद करो, खोलो तब भी आप वापस यहीं पे हो। इसको और इसको आपको एक साथ प्रेस करना है और फ़ोन जो है आपका लॉक हो जाएगा। बस लॉक होने के बाद सिर्फ आपके पास की होगी, आप उसको खोलो एंड देयर यू गो। सो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी वे टू लॉक एन ऐप, बेसिकली स्क्रीन पिनिंग इसको कहते हैं। और आप ऐप को, किसी भी ऐप को पिन कर दो और उसके आगे पीछे आपके फ़ोन में और कोई कुछ नहीं चेक कर पाएगा। तो ये तो रहा स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन, एंड्रॉयड 10 में आपको ये आराम से मिल जाएगा। अब मान लो आपका फ़ोन किसी ऐसे एंड्रॉयड वर्जन पे बेस्ड है जिसमें ये जो फीचर है आपको नहीं मिल रहा, तो एक तरीका है जिससे आप ये फीचर अपने फ़ोन में ला सकते हो, अपने सेटिंग्स में ऐड कर सकते हो। बट ये इतना ज़्यादा ऑथराइज तरीका नहीं है, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, बट इट इज़ रिस्की, सो डू इट एट योर ओन रिस्क, ठीक है। अब मैं एक ऐसा फ़ोन लेता हूँ जिसमें ये फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट वो फ़ीचर हम लेके आएंगे इस फ़ोन के अंदर। अब ये फ़ोन जो है इसमें आपको वो फ़ीचर नहीं मिल रहा, इसमें हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाके सेटिंग डेटाबेस एडिटर पे हम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके से इसका जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे अब आप जाओ ऐड न्यू सेटिंग्स पे जाके, ऐड न्यू सेटिंग में जाके यहाँ पे आपने टाइप करना है लॉक अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर इनेबल और इसको आप सेव चेंजेस कर दो। और यहाँ पे भी जो एडिट सेटिंग में ऑप्शन आएगा इसको आप रिमूव करो और यहाँ पे 1 लिख दें और सेव कर दो चेंजेस। ये सेव करने के बाद अब इस फ़ोन में जब आप ऐप्स अपने खोलेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक पिन बना आ जाएगा, जितने भी ऐप्स हैं उन पे आपके पास ये पिन बना आ जाएगा। अब यूट्यूब को मैं पिन करना चाहूँ तो मैं यूट्यूब को पिन कर दूँ एंड ये यूट्यूब आप सामने खुल जाएगा। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना, इसमें वो तरीका नहीं है कि आपने इन दोनों को एक साथ दबाया तो ये पिन जो है हट जाएगा। इसमें आपको सेंटर एंड ऑन ऑफ जो आपका बटन है उसको एक साथ दबाना पड़ेगा, तब ये जो पिनिंग है इट विल बिकम इनएक्टिव, ठीक है। तो
तो अब ये अगेन आप देखोगे ये इनएक्टिव हो गया। अब इसको मैं अगर हटाना चाहता हूँ तो इसका तरीका और है, सेंटर एंड ऑन ऑफ बटन, ये एंड इट विल गो बैक टू द नॉर्मल स्क्रीन। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप स्क्रीन पिनिंग कर सकते हो, जिससे एक ऐप जो है वो ही खुला रहेगा और उसके अलावा आपके फ़ोन में और कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेसिबल नहीं होगी किसी और के हाथ। सो ट्राई इट आउट एंड लेट अस नो व्हाट एल्स यू फील अबाउट इट।